Hello everyone, now we are going to learn chapter number 2 of grammar textbook. Chapter ka naam hai common and special names. To isme special kya hai? Last video mein humne dekha tha ki naming words ke bare mein humne padha tha ki naming words kya hai. Kuch kisi bhi cheez ya kisi bhi person, kisi ki bhi animal ko bulane ke liye hame ek word ki zarurat padti hai aur wo word hota hai naming word. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम हो मैक, तो उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक मैक ही बोलना पड़ेगा ना, तो मैक इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउ नेमिंग वर्ड में भी टू टाइप्स ऑफ नेम होते हैं, जैसे कि कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स. तो कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम यानी कि कोई भी नेम बोलो बट स्पेसिफाई ना किया गया हो कि दिस वन इज़ ओनली वन. मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा है एक्टर, तो एक्टर इज़ अ कॉमन वर्ड, कॉमन नेम. क्यों? क्योंकि एक्टर बोला है बट कौन सा एक्टर, कहाँ है वो एंड ऑल दैट, ये सब कुछ नहीं बताया गया. तो एक्टर इज़ अ कॉमन नेम. उसके बाद है सिटी, तो सिटी इज़ अ कॉमन नेम. सिटी है बट कौन सा सिटी, सिटी तो एनीवेयर कोई भी सिटी हो सकता है, राइट. तो सिटी इज़ अ कॉमन नेम. एंड उसके बाद है हॉलीडे, तो हॉलीडे तो कोई भी हॉलीडे हो सकता है, तो हॉलीडे इज़ ऑल्सो कॉमन नेम. गर्ल, तो गर्ल नेम लिखा है वो गर्ल बताया है बट कौन सी गर्ल है, कैसी गर्ल है, ये किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया है. तो ये सारे नेम्स जो हैं वो कॉमन नेम्स के थ्रू स्पेसिफाई होते हैं. यहाँ पे पहले हम लोग जो इंट्रो में मैक और जीटी बात कर रहे हैं वो देखते हैं. हेलो, माय नेम इज़ मैक. एज यू नो आई एम एट द दिल्ली फन पार्क विथ माय फ्रेंड्स ग्रामा जीटी एंड पॉज. अब जो मैक है यानी कि जो पैरट है वो अपना इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम मैक है. जैसे कि आप जानते हो लास्ट चैप्टर में उन्होंने उसका क्या था, वो दिल्ली फन पार्क में राइड कर रहे थे, ऐसा दिखा रहा था उसके फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स कौन कौन थे, ग्रामा जीटी एंड पोस्ट. देन ग्रामा, ग्रामा इज द ओल्ड लेडी, जीटी इज द रोबोट एंड पोस्ट इज द सुपर डॉग. वी आर हैविंग सो मच फन ऑन दिस संडे. नाउ इसमें भी ऐसा है कि इसमें हमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि कॉमन नेम्स है और स्पेशल नेम है. तो हम लोग ज़रा ध्यान से देखते हैं इसमें से कॉमन नेम कौन कौन से हैं. तो नेम, नेम इज़ अ कॉमन नेम. नेम यानी किसी का भी नेम हो सकता है बट मैक, मैक इज़ अ स्पेशल नेम क्योंकि मैक सिर्फ एक ही है, तो मैक इज़ अ स्पेशल नेम. और पार्क, पार्क तो कोई भी पार्क हो सकता है, इसमें कोई क्लियर हो तो ही उसका स्पेशल नेम होता है बट इसमें क्लियर है दिल्ली फन पार्क, तो वो स्पेशल नेम है. उसके बाद है ग्रामा जीटी एंड पोस्ट, तो वो सारे स्पेशल नेम हैं. उसी तरह से इसमें उनके जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में बताया है, जो ग्रामा है वो एक ओल्ड लेडी है, जीटी जो है वो एक रोबोट है और जो पोस्ट है वो एक सुपर डॉग है. और उन्होंने दिस संडे यानी कि इस संडे को उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया था. नाउ यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई करते हैं कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम. एक्टर, एक्टर इज अ कॉमन नेम बट एक्टर का नाम दिया हो कि शाहरुख खान तो वो है स्पेशल नेम. सिटी, सिटी इज अ कॉमन नेम बट सिटी का नाम दिया है कि मुंबई तो मुंबई इज अ स्पेशल नेम. हॉलीडे, हॉलीडे इज अ कॉमन नेम बट हॉलीडे कौन सा है, किसी फेस्टिवल है या संडे का है, तो इसमें संडे दिया है तो संडे इज अ स्पेशल नेम. गर्ल, गर्ल कॉमन नेम बट सल्लू, यहाँ पे गर्ल का नाम दिया है तो सल्लू इज अ स्पेशल नेम. तो यहाँ पे हम लोग साइड में देखते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम और स्पेशल नेम की डेफिनेशन दी गई है. तो प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन कहें तो वर्ड दैट आर द जनरल नेम्स ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स. वर्ड्स दैट आर द स्पेशल नेम्स ऑफ द पीपल एंड प्लेस आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स. स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. इसमें आपको और एक हिंट दिया गया है कि कॉमन नेम जो होता है वो नॉर्मली पर्सन प्लेस एनिमल किसी का भी हो सकता है बट जो स्पेशल नेम है वो किसी भी पर्सन प्लेस या किसी भी चीज़ का हो तो स्पेशल नेम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल किरण,
अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो मेरा नाम जो है वो स्पेशल नेम है, तो किरण का जो के होता है वो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। उसी तरह से नीचे क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, टिक द कॉमन नेम्स एंड सर्कल द स्पेशल नेम्स इन द बॉक्स बिलो। बट हम लोगों ने क्या किया है, अब सभी को टिक करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, तो मैंने क्या किया, इसमें जो स्पेशल नेम है उसको सर्कल किया है और जो कॉमन नेम है उसको कुछ नहीं किया, मतलब इस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आर कॉमन नेम्स। तो यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट है बट कौन सी है ये नहीं बताया गया, इस मीन्स कॉमन शॉर्ट, कोई भी शॉर्ट हो सकती है। फिर जनवरी मंथ का नेम है, जनवरी इज अ स्पेशल नेम क्योंकि जनवरी स्पेसिफाई किया हुआ है कि जनवरी 12 मंथ्स होते हैं उसमें से वन मंथ जो कि जनवरी है। उसके बाद है हाउस, तो हाउस इज अ कॉमन नेम क्योंकि हाउस तो कोई भी हो सकता है, किसी प्रॉपर या स्पेसिफाई नेम नहीं किया गया है। उसके बाद है इंडिया, तो इंडिया इज अ स्पेशल नेम। उसके बाद है ब्रिक यानी ईट तो कोई भी हो सकती है। उसके बाद है वेनसडे इज अ स्पेशल नेम ताकि उसमें सर्कल किया हुआ है। रग ऑल्सो इज कॉमन नेम। सॉक्स कोई भी सॉक्स हो सकते हैं इसलिए वो भी कॉमन नेम। एप्पल कोई भी हो सकता है, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल या फिर टॉय का एप्पल भी हो सकता है, इसमें कोई स्पेसिफाई किया गया नहीं है तो ये भी कॉमन नेम। कबोर्ड कॉमन नेम, बैग कॉमन नेम, हॉर्स ऑल्सो कॉमन नेम एंड बुक ऑल्सो कॉमन नेम। बट यहाँ पे ऊपर जो दो नेम्स रह गए हैं जो कि सतीश इज अ स्पेशल नेम क्योंकि सतीश बोला है तो इज अ स्पेसिफाई फॉर सम पर्सन कि ये सतीश जो है उसके बारे में ही बात की गई है, तो सतीश जो है वो स्पेशल नेम है। उसके बाद है डॉक्टर कपूर, वो भी एक स्पेशल नेम है। तो उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, सॉरी बॉक्स अबो, यानी कि जो ऊपर बॉक्स है उसमें से आपने जो सर्कल किए हैं स्पेशल नेम के वही यूज़ करके आपको इसकी फिलअप आंसर करनी है। तो हमने जो सर्कल किए हैं उसमें से ढूंढ कर ही इसमें आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट फिलअप इज आई फाउंड माई ब्लू शूज बट आई कुड नॉट फाइंड माई रेड सॉक्स, क्योंकि शूज़ के साथ सॉक्स ही हो सकते हैं तो इसमें सॉक्स आएगा। तो इसमें देख लो, इसमें कॉमन और स्पेशल का स्पेशल नहीं है, इसमें सॉक्स जो है वो कॉमन नेम है फिर भी उसको फिलअप किया गया है। माई ब्रदर नेम इज सतीश, द स्टूडेंट्स हैव अ टेस्ट ऑन वेनसडे। फोर्थ वन इज डैश इज अ लार्ज कंट्री, तो इसमें कंट्री का सिर्फ एक ही नाम है वो है इंडिया। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी फिनिश होता है। नाउ इसके साथ हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी ऐड कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 का नेम है वन एंड मोर देन वन। बट उससे पहले आपको सेकंड चैप्टर समझ में आ गया, नॉट डिफिकल्ट, मतलब कि बहुत ही ईजी है, कॉमन नेम और स्पेशल नेम, बस सिर्फ उन दोनों को स्पेसिफाई करना है। कॉमन नेम में कोई भी कॉमन नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल काव, तो काव है वो कॉमन नेम है। बट अगर काव का नेम दिया है, इसका नाम गंगा है या गौरी है, तो काव का नेम अगर दिया है तो वो हो गया स्पेशल नेम। बट अगर नेम नहीं दिया है तो काव इज़ अ कॉमन नेम ना। उसके बाद अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है वन एंड मोर देन वन, एक और एक से ज़्यादा, जैसे आप फर्स्ट में सिंगुलर प्लूरल करते थे उसी तरह से इसमें भी करना है। अगर एक चीज़ है तो एस लगाना है, सॉरी अगर एक चीज़ है तो उसको नॉर्मल रहने देना है, और अगर दो से या ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो आपको उसको एस और ईएस लगाना है। बट इसके भी कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लोग जो लिखा है वो रीड करते पहले, नेमिंग वर्ड्स कैन टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग्स। नेमिंग वर्ड जो है वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, हैंड, कैट, बॉक्स, वो सिर्फ किसी एक वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेमिंग वर्ड्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम
kinds, girls, hands, cats, boxes. It means naming word जो है वो एक एक चीज़ हो तो भी उसके बारे में बता सकते हैं और ज़्यादा हो तो भी बता सकते हैं, but it's called naming word. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, पिक्चर है, वन बुक, अगर बुक है तो सिर्फ बुक ही लिखना है. फोर बुक्स, अगर एक की जगह चार बुक है तो उसको क्या लिखेंगे, फोर बुक्स. यहाँ पे बुक्स के पीछे एस लगाया हुआ है. उसके बाद है वन वॉच, अगर एक वॉच है तो उसको नॉर्मल रहने देना है, और अगर ज़्यादा वॉच है तो उसके पीछे क्या आएगा, ई एस. अब ई एस क्यों आएगा, उसके भी रूल्स है. उससे पहले हम लोग ये दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एस और ई एस क्यों है. तो फर्स्ट में है एड एस दीज वर्ड्स. इसमें क्या करना है, आपको नेम दिया है और उसके पीछे सिर्फ एस ऐड करना है. फॉर एग्जांपल ब्रदर दिया है तो उसके पीछे एस ऐड करोगे तो ब्रदर्स. उसके बाद डक दिया है तो डक्स. थर्ड वन इज ट्रीज. फोर्थ वन इज बैट्स. फिफ्थ वन इज कोट्स. सिक्स वन इज पॉकेट्स. सेवन्थ वन इज बंस. एथ वन इज स्कर्ट्स. नाउ उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें एड ई एस. तो अब मैं आपको बताती हूँ एस और ई एस क्यों आता है. तो उसके लिए भी एक रूल है कि एस और ई एस लगाने के लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि वर्ड के पीछे क्या है, यानी कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टू टाइप के लेटर्स होते हैं. तो वर्ड में यानी कि स्पेलिंग के एंड में अगर कॉन्सोनेंट्स हो तो हमें उसके पीछे एस लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट के अलावा जैसे कि एस, डबल एस, एक्स, ई एस, ये सारे सब लेटर्स हो तो हमें क्या लगाना है, ई एस. अकॉर्डिंग टू रूल हमें कोई भी वर्ड यानी कि कोई भी स्पेलिंग के पीछे एस, एक्स, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, एस एच वगैरह हो तो हमें इसमें ई एस लगाना है. एक्स, डबल एस, सी एच, ये सारे जो स्पेलिंग के एंड में आते हैं तो उस स्पेलिंग में हमें क्या लगाना है, ई एस. इसके रूल्स भी आपको नोट डाउन करवा दूंगी, बट अभी के लिए इतना रखो. बस है तो उसके पीछे एस लिखा है तो क्या आएगा, ई एस, यानी कि एस, ई एस, एक्स, डबल एक्स, डबल एस, सी एच और एच, ये सारे अगर हो तो हमें पीछे ई एस लगाना है. ये एक रूल है, ग्रामर का रूल. उसमें फर्स्ट देखते हैं, बस तो बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, किस किसेस, मैच मैचेस, ग्लास ग्लासेस, विच विचेस, विश विशेस. अब आप मार्कआउट करो इन सभी स्पेलिंग्स में पीछे एस, एक्स, एक्स, डबल एस, सी एच, डबल एस, सी एच और एस एच ऐसा लिखा है. जब भी किसी वर्ड के स्पेलिंग के पीछे इस तरह के वर्ड यानी कि लेटर्स दिए हो उसमें हम लोग ई एस यूज करते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, वन पैराग्राफ दिया है. तो वो पैराग्राफ में क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स एट एस और ई एस विद वेयर एवर रिक्वायर्ड. मतलब कि आपको पहले पिक्चर देखना है और पिक्चर देख के उसका स्पेल लिखना है, स्पेलिंग लिखना है. बट अगर वो एक है तो सिर्फ स्पेलिंग लिखना है, अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसमें ई एस लगाना है, एस और ई एस ऐड करना है. मतलब अगर सिंगुलर है तो वो लिखना है, अगर प्लूरल है तो वो लिखना है. अभी मैं रीड कर रही हूँ, जी टी इज गोइंग ऑन अ पिकनिक. जी टी पिकनिक में जा रहा है. शी पैक्स अ लॉट ऑफ फूड इन अ डैश. अभी यहाँ पे पिक्चर दिया है बास्केट का, तो बास्केट जो डैश है उसमें भी बास्केट लिखना है. अभी बास्केट कितने हैं, ओनली वन, तो इसमें सिर्फ बास्केट लिखेंगे. उसके बाद है दूसरी लाइन, यहाँ पे ब्रैकेट में भी बास्केट दिया हुआ है,
ताकि आपको पता चले अगर स्पेल नहीं पता हो, या अगर आपको पिक्चर से पता ना चले कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो आप ब्रैकेट में से देखकर लिख सकते हो। नाउ शी कीप्स फॉर डैश, अभी यहाँ पे एप्पल का पिक्चर दिया है तो क्या लिखना है, एप्पल्स, एक से ज़्यादा है इसलिए एप्पल्स, तो पीछे क्या लगेगा, एस। उसके बाद है एप्पल्स एंड टू डैश, अभी यहाँ पे पियर्स का पिक्चर दिया है, अभी जो पियर्स है वो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टू, तो डैश में क्या लिखेंगे, पियर्स, पी ई ए आर एस, पियर्स। शी इज ऑल्सो कीप्स वन डैश, अभी यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि पैकेट दिख रहा है, पैकेट किसका है वो नहीं पता है, चिप्स जैसा दिख रहा है, बट इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, बैग, तो उसने एक बैग लिया है, इसमें सिर्फ एक ही बैग है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली बैग, बैग ऑफ चिप्स, मतलब कि एक बैग पूरा चिप्स का लिया है। एंड टू डैश, तो इसमें बॉटल्स दिख रही हैं और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बॉटल, तो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा, बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस, तो वन पैकेट ऑफ चिप्स एंड टू बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस। नाउ यहाँ पे ये फिलअप्स ख़त्म होती है। अगर आपने आंसर नहीं लिखे हैं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ओके। नाउ यहाँ पे दूसरा रूल आया, देखो, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मैनी बाय चेंजिंग वाई टू आई ई एस टू द एंड ऑफ नेमिंग वर्ड्स, इट मीन्स हम सिंगुलर में से प्लूरल करने के लिए इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी वर्ड के एंड में अगर वाई लिखा हो तो वाई को कट करके हमें आई ई एस लगाना है, इट्स द सेकेंड रूल। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है बेबी, अभी बेबी एक है तो लिखा है बेबी, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे बेबीज हैं, तो हमें क्या करना है, बेबी के स्पेलिंग में से वाई कट करना है और आई ई एस लगाना है, तो उसका प्लूरल हो जाता है, तो बेबी का प्लूरल क्या हुआ, बेबीज। उसी तरह से यहाँ पे बेरी का पिक्चर दिया है, तो एक बेरी है तो लिखना है बेरी, बट अगर ज़्यादा बेरी है तो वाई को कट करके लिखना है आई ई एस, यानी कि बेरीज। ना उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन डी फिलअप करना है, स्टोरी है तो स्टोरीज, सिटी सिटीज, लिली तो लिलीज, इसमें आपको सिर्फ चेंज इतना करना है, वाई को कट करके आई ई एस लगाना है, आर्मी तो आर्मीज, फ्लाई तो फ्लीज, फेरी फेरीज। ना उसी तरह से रूल नंबर थ्री, अनदर वे टू टॉक अबाउट मोर देन वन ऑफ समथिंग इज बाई चेंजिंग एफ और एफ ई टू वी ई एस। अब जिस तरह से हमें सिंगुलर में से प्लूरल करने के लिए यहाँ पे वाई का बोला है, उसी तरह से हम लोग एफ और एफ ई को चेंज करके वी ई एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, वन नाइफ है तो सिर्फ लिखा है नाइफ, और अगर ज़्यादा नाइफ हो तो एफ को कट कर दिया, एफ ई को कट करके के एन आई वी ई एस लिखा है, इसका मतलब नाइफ्स। एक लॉफ है तो लॉफ लिखना है, अगर एक से ज़्यादा है तो एफ को कट करके लॉफ्स हो जाएगा। नाउ यहाँ पे समथिंग डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, लर्न दिस स्पेलिंग्स, ये जो स्पेलिंग्स है वो कुछ अलग ही है, मतलब कि इसका प्लूरल पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, जैसे कि गूस का हो जाएगा घीज, मैन का होगा मैन, चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, फूट का फीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें जो हमने अभी ये रूल पढ़ा उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, एफ और एफ ई को कट करना है और वी ई एस लगाना है। तो फर्स्ट इज काव्स, काफ लिखा है तो क्या लिखेंगे, काव्स, शेल्फ तो शेल्फ्स, हूफ तो हूफ्स, लीफ तो लीव्स, वाइफ तो वाइफ्स, वॉल्फ वुल्फ्स। रेडी,
यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट होते हैं, तो गुड बाय।